अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह अपनी ही पार्टी के फैसले से नाराज चल रहे हैं। दरअसल पिछली बार की तरह ही इस बार भी गिरिराज सिंह नवादा लोकसभा सीट से ताल ठोकने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने उनका पत्ता काट कर उन्हें बेगूसराय से टिकट दे दिया। इस बारे में उनका कहना था कि उनसे बिना पूछे फैसला लिया जाना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने जैसा है। सूत्रों की माने तो गिरिराज सिंह अपनी मजबूरी के चलते बेगूसराय से नहीं लड़ना चाहते। दरअसल बेगूसराय में भूमिहार जाति के लोगों का दबदबा है और जाति के वोटरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, और इस बार बेगूसराय से लेफ्ट की ओर से कन्हैया कुमार बैटिंग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की ओर से गिरिराज सिंह हैं। दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले चुनाव में राजद के तनवीर हसन इस बार फिर मैदान में हैं, जिनका प्रदर्शन पिछली बार काफी हद तक अच्छा रहा था। इन सभी हालातों को देखते हुए गिरिराज सिंह को शायद ये डर सता रहा है कि दोनों भूमिहारों की लड़ाई के बीच कहीं बाजी राजद के तनवीर हसन ना मार लें। यही नहीं, गिरिराज सिंह को कन्हैया कुमार की लोकप्रियता से भी खतरा महसूस हो रहा है, और शायद यही वजह है कि वे दोबारा से नवादा से ही चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नमो द टाइम्स।